नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। टीएमसी के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी आज गृह मंत्री अमित शाह की मिदनापुर में हुई मेगा रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह ने इस दौरान सुवेंदु अधिकारी का बीजेपी में स्वागत किया। शाह ने टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्यों इतने सारे लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसके पीछे ममता का कुशासन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद है। दीदी, ये तो सिर्फ आगाज है, चुनाव आने तक आप अलग थलग पड़ जाएंगी। एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है, क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी, तुष्टिकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है, ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है, आपकी नजर में अपना भतीजा है। कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका, क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है। मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है। देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। मित्रों, देश भर में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, बंगाल के किसान को 6,000 रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जोर से बोलो, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सुवेंदु ने 27 नवंबर को ममता बनर्जी की कैबिनेट के मंत्री पद से त्याग पत्र दिया था। उन्होंने 16 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया था। रैली में सुवेंदु ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर सीधा हमला बोला। सुवेंदु ने कहा कि कोरोना से संक्रमित होने के दौरान तृणमूल के कई बड़े नेताओं को उन्हें फोन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह ने उन्हें 2 बार फोन किया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुकुल रॉय ने उनसे कहा था कि आत्मसम्मान रखने वाला कोई भी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। तृणमूल छोड़ने वाले अर्जुन सिंह पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मेरे भाई मनीष शुक्ला की हत्या करा दी गई। सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बजाय बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।